मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1022 तक पहुंच गई। 8 अफराद जान बहक, 24% केसेज में मुतासरीन उम्र 21 से 30 साल के दरमियान है। 93% अफराद बाहर से बीमारी साथ लाए। डॉक्टर जफर मिर्जा की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने फिर लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। मीडिया के दबाव पर लॉकडाउन किया गया, ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होनी चाहिए। इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब, कहा कर्फ्यू की सूरत में हमारे पास लोगों को खाना घर पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पार्लियामानी रहनुमाओं के इजलास में अपोजिशन नाराज। वज़ीर-ए-आज़म गए तो शहबाज और बिलावल पर हम वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के रवैये पर इजलास में नहीं बैठ सकते, पॉलिसीज पर नजरसानी की जाए, बिलावल का मुतालबा। कोयटा को मुकम्मल बंद नहीं कर सकते, लॉकडाउन का मकसद कोरोना को रोकना है। मुस्तहिक अफराद को राशन पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की गुफ्तगू, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा, सूरत हाल और इंतजामात का जायजा लिया। कोरोना से 196 मुल्क मुतासर, इटली में 7,500 अमवात हो चुकी, स्पेन में तादाद 3,434 हो गई, जर्मनी में 27 और अमरीका में 39 अमवात, दुनिया भर में 20,500 अफराद चल बसे। बरतानवी शहजादा चार्ल्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। क्लियरेंस हाउस ने प्रिंस ऑफ वेल्स के वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। और कोरोना से लड़ने वाले तिब्बी अमले को सलाम अकीदत। पाकिस्तान में डॉक्टर उसामा शहीद हुए, डॉक्टर जैनुल आबदीन वायरस से मुतासर। इंडोनेशिया का मसीहा भी वायरस का शिकार हो गया, दरवाजे से आखिरी बार बीवी और बच्चों को देखा, अस्पताल जाने के बाद चल बसा।